Assalamualaikum students, I am your science teacher Huma Tanveer. Hope you all are fine. Today we will continue our summer pack of class 6. And we have page number 32. On this page we have a question. Give a brief account of at least 3 neutralization reaction. हमने 3 neutralization reactions के ऊपर हमने brief account देना. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि neutralization reaction क्या होता है. Neutralization is a type of a chemical reaction in which strong acid and strong base react with each other to form water and salt. Neutralization reactions ऐसे reactions होते हैं जिनमें strong acid और strong base मिलकर water और salt बनाते हैं. नीचे मैंने 3 examples दिए हैं. देखें, HCl ये एक acid है, NaOH ये एक base है. H के ऊपर है positive और Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसी तरह Na के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बनाएगा, ये Cl नेगेटिव इस Na के साथ मिलके साल्ट बनाएगा जिसे हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, इसी तरह HBr, KOH प्लस वाला एसिड का प्लस बेस के नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बनाएगा. ठीक है, और एसिड का नेगेटिव बेस के प्लस के साथ मिलके पॉजिटिव के साथ मिलके साल्ट बनाएगा. थर्ड रिएक्शन में देखें, HCl एंड KOH, इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर बनाएंगे और Cl और K मिलके KCl बनाएंगे. H2 एंड KCl, सॉरी यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने लिख दिया है, ये साल्ट है. ठीक है, और ये वाटर है. ये मिस्टेक आपने नहीं करनी. ओके ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव सम डेफिनेशन. फर्स्ट इज फर्मेंटेशन, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लैक्टिक एसिड. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है. ठीक है, इसके अलावा करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरीज यूजुअली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम. करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का बहाव. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसको हम कहते हैं करंट. ठीक है, नेक्स्ट है पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू अ स्टिग्मा ओव्यूल फ्लावर और प्लांट टू अलाउ फर्टिलाइजेशन. पोलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, पोलन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा से ओव्यूल और फ्लावर की तरफ ताकि वो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकें. ठीक है, ताकि न्यू जो हैं सीड्स और प्लांट्स ग्रो कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किट. वन पॉइंट हैज मोर चार्ज देन अनदर. दिस डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज. वोल्टेज है अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी की दो पॉइंट्स के दरमियान में. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है उसके ऊपर है जो सर्किट का जो एक पॉइंट है उसमें उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है 4. सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर है 8. ठीक है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो 4 क्या है, इसकी वोल्टेज है. ठीक है, जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस आ रहा होगा ना पोटेंशियल एनर्जी में, वो होगा इसका वोल्टेज. ओके स्टूडेंट्स, होप आपको दोनों पेजेस की समझ आ गई हो. आपने इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू.